गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इन योर जीके क्लास वी डू चैप्टर नंबर 8 and 9। चैप्टर नंबर 8 है एनिमल्स एंड देयर होम्स, जानवर और उनके घर। और चैप्टर नंबर 9 है हमारा आवर मदरलैंड, हमारी मातृभूमि। चैप्टर नंबर 8 करते बेटा, चैप्टर नंबर 8 है हमारा एनिमल्स एंड देयर होम्स, जानवर और उनके घर। Following are the animals and their homes. Match the exact pair according to the animal. यहाँ पर जो है animals की picture दी है और उनके घरों की picture दी है और उनके name भी mention है। तो हमें उनका यानी कि किस lion, कौन सा lion किस चीज़ में रहता है, जैसे ये rabbit है तो ये bureau में रहता है, lion है वो den में रहेगा, तो ये ऐसे हैं, उनको match करना है। तो सबसे पहले देखो lion, lion क्या है, rock caves में पत्थरों की गुफा होती है उसमें रहता है। तो रॉक के उसको किससे मैच कर देंगे हम, लोयन से। मैच ना करे के हम क्या करेंगे, इनके नंबर लिख देते हैं, क्योंकि मैच करने में ज़्यादा लाइन हो जाती है और पता ही नहीं चलता कौन से का आंसर क्या है। तो ये 1 हो गया। रैबिट, रैबिट किस में रहेगा, ब्यूरो में, नंबर 4 पे जो है डी पे, तो ये ब्यूरो में हो गया। डॉग, डॉग किस में रहेगा, कैनल में, तो यहाँ पर नंबर 3 लिख देते हैं। हॉरस, हॉरस किस में रहेगा, स्टेबल में, नंबर 4। पिग, पिगेस्टी में, नंबर 5। और डॉल्फिन शी में, नंबर 6। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8। अभी चलते हैं चैप्टर नंबर 9 पर। आवर मदरलैंड, हमारी मातृभूमि। इंडिया आवर मदरलैंड इज ग्रेट कंट्री, भारत हमारी मातृभूमि एक महान देश है। इट हैज़ मैनी डिस्टिंक्टिव सिंबल्स दैट प्रेजेंट ए फ्री सोवरिजन कंट्री। डिस्टिंक्टिव बताए विशिष्ट, सिंबल में प्रतीक। फ्री सोवरिजन कंट्री मतलब स्वतंत्र संप्रभु देश। हमारा ये जो है, हमारी कंट्री जो महान है, इसके कई विशिष्ट प्रतीक हैं जो एक स्वतंत्र प्रभु, स्वतंत्र संप्रभु देश को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे सिंबल्स हैं जो हमारे देश को क्या बनाते हैं, स्वतंत्र संप्रभु देश बनाते हैं, दिखाते हैं। हेयर आर सम फैक्ट अबाउट द नेशन, हमारे देश के बारे में, हमारे राष्ट्र के बारे में यहाँ पर कुछ फैक्ट हैं। गिव वन वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको एक वर्ड लिखना होगा, वो लिखना है। दिस द डैश इज कॉल्ड आवर नेशनल फ्लैग, आवर नेशनल फ्लैग, हमारे नेशनल फ्लैग को क्या बोलते हैं, ट्रिकलर, क्या बोला जाता है, ट्रिकलर, यानी कि तिरंगा जो बोलते हैं, हमारा नेशनल फ्लैग क्या बोला जाता है, तिरंगा, ट्रिकलर। इट हैज़ 3 कलर्स, इसमें 3 कलर हैं, दे आर डैश, डैश एंड डैश। तो हमारे ट्रिकलर यानी तिरंगे में कौन से कलर हैं, सैफरॉन, वाइट एंड ग्रीन। ये हमारे नेशनल फ्लैग में कलर हैं। आवर नेशनल एंथम इज़, हमारा नेशनल एंथम क्या है, एंथम मीन्स राष्ट्रगान, राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन, जन गण मन। नेक्स्ट है डैश इज़ आवर नेशनल सॉन्ग, आवर नेशनल सॉन्ग, हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है, वो क्या है, वंदे मातरम, क्या है हमारा राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अवर नेशनल स्लोगन इज, हमारा राष्ट्र नेशनल स्लोगन क्या है, तो वो है जय हिंद, जय हिंद। आवर नेशनल लैंग्वेज इज, हमारी नेशनल लैंग्वेज है हिंदी। डैश लोयन अपीयर ऑन आवर नेशनल एम्बल, हमारे नेशनल एम्बल में, नेशनल जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें कितने वो दिखते हैं शेर, तो कितने शेर उसमें, 4। सत्यमेव जयते मीन्स, सत्यमेव जयते जो हम बोलते हैं उसका मीनिंग क्या होता है, ट्रूथ अलोन ट्रूम्फ्स।
आगे नंबर 9, द नेशनल डैश इज प्रिंटेड ऑन ऑल स्टैम्प पेपर एंड करेंसी नोट्स। एम्बलम, नेशनल एम्बलम, ठीक है, हमारा जो नेशनल एम्बलम है वो सभी पेपर स्टैम्प पेपर होते हैं और नेशनल करेंसी नोट जो होते हैं उन सभी पर वो छपा होता है। द धर्म चक्र इन द मिडल ऑफ ट्रिकलर रिप्रेजेंट, जो हमारे तिरंगे में जो बीच में नीला चक्र होता है जिसमें 24 तिलियां होती है उसको धर्म चक्र बोला जाता है। तो वो धर्म चक्र किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, यानी क्या मायने हैं उसके, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, लॉ को। ये थे आपका चैप्टर नंबर 8 और 9, जिनको आपको बुक में फिल करना है, और चैप्टर नंबर 9, ओनली चैप्टर नंबर 9 को आपको नोटबुक में लिखना है। फिल बुक में दोनों को करोगे, लेकिन चैप्टर नंबर 9 को नोटबुक में भी आप लिखोगे। ये था आपका जीके का होमवर्क। थैंक यू स्टूडेंट्स।